नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। अंडर 18 एशिया कप महिला हॉकी में भारतीय टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक। अंतिम पूल मैच में मलेशिया को 3-1 से हराया। भारत ने लगातार दर्ज की तीसरी जीत। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के आखिरी दिन का खेल जारी। भारतीय टीम ने पहली पारी में 282 रनों की बढ़त के साथ बनाए 767 रन। करुण नायर ने लगाया तिहरा शतक। अंडर 17 फीफा विश्व कप को बैंक ऑफ बड़ौदा देगा समर्थन। फीफा विश्व कप 2017 से जुड़ने वाली देश की पहली कंपनी बनी बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले साल भारत करेगा अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी। आईपीएल नीलामी में सर्वाधिक धनराशि के साथ उतरेगा पंजाब। 8 टीमों में पंजाब के पास नीलामी के लिए हैं 23.35 करोड़ रुपए। आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए अगले साल होगी खिलाड़ियों की नीलामी। और लंदन शतरंज क्लासिक में विश्वनाथन आनंद संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। चिर प्रतिद्वंदी रूस के व्लादिमिर क्रामनिक से 9वें और आखिरी दौर में खेला ड्रॉ। आनंद, नकामूरा और क्रामनिक 5-5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।